अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उनको भी पूरे इत्मीनान और इज्जत के साथ उनको अपने घर को वापस होना है।
और मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि पहले हमारी माँ और बहनों को जाने का रास्ता फराहम करें, चाहे वो हमारे ख्वातीन सहाफ़ी या जर्नलिस्ट क्यों ना हो, और पूरे इत्मीनान के साथ आप अपने घर को जाइए। और अगर कोई शरपसंदी का इरादा रखता है तो उसको आप रोकिए। मैं तिरंगे के ताल्लुक से आपसे कह रहा था, मैं एक और आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, वो ये है, बल्कि इस जलसे के जरिए पूरे वतन अजीज के हमारे तमाम हिंदुस्तान के शहरियों से अपील कर रहा हूं कि जो कोई भी भारत में NRC और CAA के खिलाफ है वो कल से अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लगाएगा, ताकि जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा मुल्क ये जान लेगा कि ये मोदी के काले कानून के खिलाफ है, और जिसके घर पर तिरंगा नहीं लगेगा दुनिया समझ जाएगी कि ये भारत को दोबारा पार्टीशन की राह पर लेकर जा रहा है। तो क्या कल से आप अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लहराएंगे? हर घर की छत के ऊपर तिरंगा लहराना मेरे भाई, ताकि इनको मालूम हो जाए ये तिरंगा देखकर संघ परिवार को, मोदी को और अमित शाह को मालूम हो जाएगा, अरे ये घर भारत का घर है, ये घर हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला घर है। और जो कोई भी अपना तिरंगा अपने घर पर लहराएगा वो पैगाम देगा BJP और RSS को कि आज हमारे मुल्क में गांधी जिंदा नहीं है मगर गांधी के उसूल आज भी जिंदा है। जो तिरंगा अपने घर पर लहराएगा वो संघ परिवार को और BJP को पैगाम देगा कि अंबेडकर जिंदा नहीं है मगर अंबेडकर का संविधान आज भी जिंदा है। जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो पैगाम देगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमसे कहा था, दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सामने खड़े होकर मौलाना ने कहा था, मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था कि तुम पाकिस्तान को मत जाओ, तुम हिजरत के मुकद्दस काम पर फरार की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो मौलाना आजाद को याद रखेगा, जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो इन जालिम फासिस्ट ताकतों को पैगाम देगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे दरमियान में नहीं है मगर देखो ये तिरंगा लहरा रहा है, वो फासिज्म के खिलाफ हमारी एक निशानी है। जिसके घर पर कल सा तिरंगा लहराएगा वो पैगाम देगा कि ये भारत गोलवालकर का मुल्क नहीं, ये गांधी अंबेडकर और नेहरू का मौलाना आजाद का मुल्क है। तो मेरे भाई, मेरी आपसे दरखास्त है कि जब तक ये एहतजाज चलेगा अपने घर पर तिरंगे को लहराते रहना, तिरंगा लहराता रहेगा तो BJP को मालूम होगा कि देखो हमने बहुत गलत और काला कानून बनाया। ये लड़ाई CAA की और NRC की सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये हरगिज सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। और अगर कोई मुझसे आकर ये कहेगा कि मुसलमान इस लड़ाई में अकेले, तो मैं उनसे कहूंगा कि हाँ, अगर मुसलमान अकेला भी है तो हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना ही हमको इसकी कोई शर्मिंदगी है, इसलिए कि हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, इस लड़ाई में हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी है, हमारे दलित भाई भी है, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाई भी है, बल्कि मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका हमारे साथ। ये लड़ाई क्योंकि हिंदुस्तान की रूह को बचाने की लड़ाई, जो काम अंबेडकर ने नहीं किया, जो काम सरदार पटेल ने नहीं किया, जो काम राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया, जो काम हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम नेहरू ने नहीं किया, जिस काम के बारे में गांधी ने नहीं सोचा,
आज हुकाम नरेंद्र मोदी की हुकूमत कर गई, मजहब के नाम पर देश को चलाना चाहते, शहरियत सिटीजनशिप मजहब के नाम पर देना चाहते। तारीख को मैं नहीं बदल सकता, ना आप बदल सकते, मगर जब मुल्क में संविधान बना तो संविधान बनाने वालों ने क्यों संविधान बनाया कि हम मुस्तकबिल को देखेंगे, हम पीछे नहीं देखेंगे, हम मुस्तकबिल को देखेंगे। पार्टीशन हुआ, हम पार्टीशन को कबूल नहीं किया, हमने पार्टीशन को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हमने मोहम्मद अली जीना के पैगाम को ठुकराया। मगर आज बीजेपी कह रही है कि टू नेशन थ्योरी पार्टीशन की वजह से यह काम नामुकम्मल था, इसलिए हमने CAA का कानून बनाया। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम और अमित शाह जो हिस्ट्री में कमजोर है, हम उनको हिस्ट्री का एक सबक सिखा ही देते हैं। और वो ये है मेरे भाई, ये दारुस्सलाम जिसकी सरजमीन पर आज आप और हम खड़े हैं, इसी दारुस्सलाम पर 70 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना आए थे, यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना आए थे, यहीं पर ऐसा ही जलसा हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर हुई थी, चंद मिनट की तकरीर मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और जब मोहम्मद अली जिन्ना गाड़ी में बैठ कर जा रहे थे तो एक नौजवान दौड़ता हुआ उनसे हाथ मिलाने के लिए गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस नौजवान से कहा कि क्या तुम पाकिस्तान को आओगे? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं आऊंगा। उस नौजवान जिसने मोहम्मद अली जिन्ना से हाथ मिलाया था, मैं आज से, बल्कि मैं जब तालिबे इल्म था, लंदन में इल्म हासिल कर रहा था, अमेरिका गया था, साउथ फ्लोरिडा में, नहीं साउथ कैरोलिना में मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई, जब उन्होंने जाना कि हैदराबाद से एक शख्स आया है, मुझसे मुलाकात की और मुझसे ये वाकया सुनाया। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा जो काफी उम्र हो चुकी थी, बताओ आपने सिर्फ हाथ मिलाया और चले गए, क्या पाया आपने? तो उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की जो पाकिस्तान को गया था। मेरे भाई, आज इसी सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर जिन्ना आए थे, आज सौों की हजारों की तादाद में गयूर नौजवान हिंदुस्तान का तिरंगा उठाकर लहरा रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये हमारी वफादारी, ये हमारी वफादारी है, ये हमारी इस मुल्क से मोहब्बत है, ये हमारी इस मुल्क से मोहब्बत है कि जिस जगह पर जिन्ना आए थे, जहां पर हमने उनके पैगाम को मुस्तरद किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी मुकाम पर तिरंगा लहरा। आज ये लोग नहीं जानते, आज हमारी वफादारियों पर शक करते हैं। बीजेपी संघ परिवार हिंदुस्तान के मुसलमानों की वफादारी पर शक करके, वो मुसलमानों पर नहीं बल्कि वो उंगली उठा रहे हैं गांधी अंबेडकर नेहरू के ऊपर, क्योंकि उन्होंने संविधान और आईन बनाया था, दस्तूर बनाया था, और दस्तूर में ये कहा गया कि मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हमको कोई एतराज नहीं है, आप दीजिए, जो कोई आता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, मगर मजहब को क्यों बुनियाद बना रहे हैं, मजहब को क्यों बुनियाद बना रहे हैं? और जब हम ये सवाल करते हैं तो बीजेपी की तरफ से सवाल आता है कि तुम्हारे पास तो इतने इस्लामी मुल्क, मुस्लिम मुल्क है, मैं उसके ताल्लुक से भी कहना चाह रहा हूं कि मुझे सऊदी अरब से मोहब्बत ना थी ना कभी रहेगी, इंशाल्लाह होगा। मुझे क्या करना है यूनाइटेड अरब एमिरेट से, मुझे क्या करना है मलेशिया से, मुझे क्या करना है टर्की से, मुझे क्या करना है ईरान से, मुझे क्या करना है बांग्लादेश से, मुझे क्या करना है अफगानिस्तान से, मुझे भारत से मतलब था और भारत से ही मतलब रहेगा। इतने इस्लामी मुल्क कह रहे हैं तो तुम चले जाओ ना, मुझे क्यों बोल रहे? मुझे क्या करना है उन लोगों से? मुझे तो हिंदुस्तान और भारत की सरजमीन से मोहब्बत थी और रहेगी।
बार बार, अरे तुम्हारे इतने ममालिक है, मेरे नहीं है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है और रहेगा इंशाअल्लाह। और आज बीजेपी का एक दिल्ली का एक वीडियो आया जिसमें मौसूफ नारा मार रहे हैं कि जुलूस निकाले बीजेपी की ताईद में और नारा लगा रहे हैं पूरे लोग कि देश के गद्दारों को गोली मारो सारो। आप बताइए मैं कहां का गद्दार हूं, मैं कहां का गद्दार हूं, मैं तो इंडियन बाय चॉइस भी हूं और बाय बर्थ भी हूं। मेरे पास चॉइस था, मैंने कहा मैं जिना को नहीं मानता, डोनेशन थ्योरी को नहीं मानता। हम पैदा भी इस मुल्क में हुए और ये मौसूफ नारा लगा रहे हैं मोदी के चेले कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मार सकते आप गोली, मार रहे ना आप, मारो, हथियार आपके पास है, गोली आपके पास है, इख्तदार आपके पास है, आप जुल्म कर सकते हैं, करो जुल्म, मगर याद रखो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, मेरी भारत से मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। तुम मार सकते हो मुझे मारो, क्योंकि जनरल डायर ने भी यही समझा था कि जलियांवाला बाग में मैं इतने भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को मारूंगा तो हिंदुस्तान में लोग डर जाएंगे, मगर जलियांवाला बाग का वो वाकया हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तानियों में कहीं हरारत पैदा कर दिया था। मौत किसी को गोली मारने से डर पैदा नहीं होता। आप गोली मारना चाहते हैं, मारो, आपकी सरकार है, बंदूक भी आपकी, गोली भी आपकी, वर्दी भी आपकी, हर चीज आपकी, मारो, आप मारने आप मार ही सकते हैं, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम हम मारने नहीं निकले हैं, हम भारत को बचाने निकले और बचा के रहेंगे। क्या लड़ाई है हमारी, हमारी लड़ाई क्या है, हमारी लड़ाई इज्जत की लड़ाई है। आज हम पर इतना शक किया जाता है, बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 70 साल के बाद भी आज हम पर शक किया जाता है, ये तौहीन है, ये तौहीन है। और आज आप कहते हैं कि हम मुल्क में एनआरसी लगाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया है, जिसका जिक्र अभी मेरे छोटे भाई अमान ने किया, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए एनआरसी में, जिसमें से 5 लाख के करीब मुसलमान हैं, 5 लाख बंगाली हिंदू भाई हैं हमारे। आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहता है कि CAA के बाद 5 लाख बंगाली हिंदुओं को हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अमित शाह और वजीर आजम कहते हैं कि अगर आपको तकलीफ है तो लिखकर भिजाओ, लिखकर भिजाना क्या, आसाम के बंगाली हिंदुओं को आप शहरियत देंगे और वो जो मुसलमान जो 5 लाख हैं वो मुकदमा लड़ेंगे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में, उन पर से मुकदमा खत्म हो जाएगा, उनको हिंदुस्तान की शहरियत मिल जाएगी, सिर्फ एक एफिडेविट लिखकर देना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश से आए थे। मेरे भाई इससे बड़ी नाइंसाफी नहीं है तो क्या है, पूछो अब्दुल वदूद अमान से कि जिन मुसलमानों को, जिन लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया, एक शख्स दीवाना हो गया, एक मां जो अपनी बेटी को 5 साल नहीं देखी, 5 साल नहीं देखी वो मां अपनी बेटी को, मैं नहीं अमान वदूद से बैठ कर पूछ लो। अमान वदूद ने अपनी तकरीर में कहा कि ये नौजवान आसाम के गली कूचों में, आसाम के हर इलाके में दौड़ता फिरता है। अपना एक वाकया बताया अमान ने कि एक रास्ते में किसी गाड़ी की टक्कर हुई, औरत जख्मी हो गई अस्पताल में,
उसकी औलाद भी जख्मी हो गई और औरत रो रो कर अमान से कह रही है कि मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मैं जख्मी हो गई हूं, मेरी औलाद जख्मी हो गई है, मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि कल मुझे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने जाना है, मैं कैसे जाऊंगी। बताइए आप, इससे बड़ी तौहीन हम तमाम की है। अगर कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी साहब 70-75 साल की उम्र है, चिरंजीवी साहब बैठे हैं 70-75 साल के, और इस उम्र में आने के बाद अगर नरेंद्र मोदी उनसे कहेगा कि मिस्टर पांडुरंगा रेड्डी साहब, मिस्टर चिरंजीवी, आप हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स लाकर बताओ। इंसान की हीरत भी कोई चीज होती है, इज्जत भी कोई चीज होती है, इज्जत नफ्स कोई चीज होती है। 75 साल के हो चुके और उनको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा बताने के लिए, सिर्फ एक शख्स की हिमाकत, उसकी अनानियत को खुश करने के लिए, उसकी अना की तस्दीक के लिए। जो लोग 75 साल 80 साल के वो लाइन में ठहरेंगे, मैं क्यों ठहर कर बताऊं कि मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं, मैं पैदा हुआ इसी सरजमीन पर, मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं। मगर हम तमाम को, हिंदुस्तान की 100 करोड़ आवाम को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, यह तमाम हिंदुस्तानियों का मसला है। आप तमाम को जो नरेंद्र मोदी वजीर आजम को चाहते हैं, मैं उन मोदी भक्तों से भी कह रहा हूं कि तुमको भी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, तुमको भी डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, तुमको भी एसएससी सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, तुमको भी पासपोर्ट बताना पड़ेगा, तुमको भी तुम्हारे बाप दादा का सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। अरे जब सब लाइन में खड़े हो जाएंगे तो फिर देश किसका होगा बताओ। अगर सब लाइन में खड़े होकर बोलेंगे मेरा डॉक्यूमेंट, तो फिर देश किसका है, ये देश किसका है बताओ मेरे भाई। क्या हमने इसीलिए अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी कि एक शख्स वजीर आजम बनेगा और हिंदुस्तान के 100 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा करेगा और वो ऊंची कुर्सी पर दिल्ली में तख्त पर बैठ कर कहेगा कि हां देखो सबको मैंने लाइन में लगा दिया। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, यही हाल ये हर हिंदुस्तानी का करना चाहता, सबको लाइन में खड़ा कर देंगे। एक प्रकाश जावड़ेकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बयान दिए कल कि जिसके पास आधार कार्ड है उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर साहब समझते हैं कि हमारे कान में फूल लगा, आपको लगा होगा, मगर आधार एक्ट का सेक्शन 9, जिसका अमान ने मुझे बताया कि सेक्शन 9 साफ तौर से कहता है कि जिसके पास आधार कार्ड है वो हिंदुस्तान की सिटीजनशिप को देता नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर मुतालबा करेंगे आपसे, पासपोर्ट की बात करेंगे, आपको मालूम कितने पासपोर्ट हैं पूरे भारत में? सिर्फ भारत के 120 करोड़ जनता के पास 4% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 4%। अब कल से शायद शुरू हो जाएगा कि अरे भाई ओएसी ने कहा चलो पासपोर्ट बना ले, केवल 4% लोगों के पास पासपोर्ट। अप्रैल 2020 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो रही है, एनआरसी शुरू होगा, बल्कि एनआरसी शुरू हो चुका है, एनआरसी शुरू हो चुका है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर शुरुआत है एनआरसी की, और उसमें सवालात हैं कितने बच्चे हैं, कितने घर में रहते, कितने के पास पासपोर्ट है, कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, और जो शख्स वेरीफाई करेगा वो कहेगा कि मैं इसके इससे मुतमईन हूं या नहीं हूं, उसके अख्तियार में रहेगा कि लिखेगा कि मुझे इस पर शक है, डाउटफुल है। तो जब एनआरसी शुरू होगी वो डाउटफुल को फंस जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं आपसे, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे हर भारत के सिटीजन्स का मसला है। हां हमको
तकलीफ इस बात की है कि अगर किसी गैर मुस्लिम का नाम एनआरसी में नहीं आएगा और किसी मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो शायद वो हमारा हिंदू भाई कहेगा कि मैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, हमको कहां मिलेगी। और जब मैं ये कहता हूं बार बार तो बीजेपी की तरफ से जवाब आता है, नहीं तुम भड़का रहे हो, तुम डरा रहे हो। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम बोलो झूठ कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं जो आसाम में हो रहा है, आसाम में यही होगा। जितने 540,000 बंगाली हिंदू भाइयों बहनों का नाम नहीं आया उनको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर है वो बार बार कह रहा है। और बीजेपी की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं देता। वजीर दाखला कहते एनआरसी आएगा, एनआरसी आएगा तो किसका नुकसान होगा। मेरे भाई मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि एहतजाजी जलसा है। हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये देश में, इस मुल्क में, वतन अजीज में मजहब के नाम पर हमको दूसरे दर्जे का नहीं बल्कि स्टेटलेस बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सब मिल सबको नुकसान होने वाला है, सबको नुकसान होने वाला है। तीसरी और अहम बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि ये लड़ाई लंबी लड़ाई जिद्दोजहद होने वाली है, ये जिद्दोजहद आसान नहीं है। मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग रिवायती सियासतदान नहीं है, ये लोग रिवायती सियासतदान नहीं है। इनसे अगर हमको सियासी और जमहूरी तरीके से मुकाबला करना है तभी कामयाबी मिलेगी। अगर हम ये समझेंगे कि एक जलसा कर लिए, रोड पर निकल कर आ गए, कामयाबी मिलेगी नहीं। ये मोमेंटम को कम से कम 6 से 7 महीने बरकरार रखना पड़ेगा। और कब होगा? जब तशद्दुद नहीं होगा, जब वायलेंस नहीं होगा। तशद्दुद और वायलेंस होगा तो हिस्सा खत्म, कुछ नहीं कर सकेंगे आप। कोर्ट में खड़े होकर ये लोग कहेंगे कि देखो ये लोगों ने तशद्दुद किया, वायलेंस किया, फुला गड़बड़ हुई, कोर्ट के सामने जाकर कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मैं भी पार्टी बना हूं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट को गया हूं कि कानून हमारे आईन हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो मेरे भाई इस बात को जहन नशीन कर लो कि वायलेंस और तशद्दुद हरगिज नहीं होगा, हरगिज नहीं होना, कोई तशद्दुद नहीं होगा। कोई आके आपको छेड़खानी करेगा तब भी नहीं, तब भी नहीं। जो लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, सुनो कि मजलिस क्या कर रही है। मजलिस ये कर रही है कि मजलिस गरीबों की लाशों पर अपनी सियासी इमारत ना कभी तामीर की ना कभी तामीर करेगी। इंशाल्लाह मैं जब तक जिंदा अल्लाह मुझे रखेगा, जब तक अल्लाह मुझे मजलिस का सिपाही बनाकर रखेगा, मैं किसी भी इंसान की लाश के ऊपर अपनी सियासत नहीं करूंगा, ना करता हूं ना करूंगा इंशाल्लाह। अगर मुझ पर इल्जाम लगता है तो लगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम बी टीम बोलो, सी टीम बोलो, कौन सी टीम बोलो, मगर मैं इंसानियत के साथ था, हूं और रहूंगा इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश में कल एक ही दिन में 12 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जो लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, अगर सोचो तुम्हारी औलाद मर जाती तो तुम कहते सलाउद्दीन ओवैसी तुमने मेरी औलाद के ऊपर सियासत की। एक ही दिन में 12 लोग मर गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया था लखनऊ की गबड़ के बाद कि हम इसका बदला लेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कह दिया कि जो लोग गबड़ करते हैं उनके कपड़े देखकर बताया जा सकता है। आपको मालूम आज मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? 8
7 साल के बच्चे के सर में आज गोली लगी, 8 साल के बच्चे के सर में गोली लगी। तुमको मालूम कि जो लोग दो लोग मर गए मुजफ्फरनगर में, उनको दफनाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। बताओ मैं क्या लाशों पे सियासत करूं? नहीं, मेरा काम जिंदगियों को बचाना है, मरवाना नहीं है। जिसको मरवाना है वो सियासत करे, मैं ये सियासत नहीं कर सकता। मैं बचाने का काम कर सकता हूं, इन नौजवानों की जिंदगियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर कभी मरना पड़ेगा तो इंशाल्लाह हम पहले मरेंगे, हम मरेंगे इंशाल्लाह, हम अपने सीनों पर गोलियां लेंगे, हम अपने सीनों पर अपने सर पर लाठियां खाएंगे। मगर किसी हिंदुस्तान के मासूम लोगों को अपनी सियासत के लिए नहीं मरवाएंगे। और दुश्मन यही चाहता है, जालिम यही चाहता है। जालिम की सियासत हमको समझने की जरूरत है। ये लड़ाई जज्बात के साथ साथ होशमंदी से लड़ने की जरूरत है, पूरी होशमंदी से लड़ने की जरूरत है। और अगर कोई ये समझेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना, तो मेरे भाई हमारे सामने महात्मा गांधी की लड़ाई है। गांधी ने भी नॉन वायलेंस की बात की थी और 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाया था। गांधी और नेहरू, अंबेडकर, ये मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, अल्लामा फजल हक पैराबादी, महमूदुल हसन, ये तमाम बुजुर्गों ने हमको सिखाया कि नॉन वायलेंस से ही हम जालिम के जुल्म को तोड़ सकते हैं। और वही काम हमको करना है। अगर कोई ये समझ रहा है कि नहीं नहीं ये बड़ी बोरिंग बात कर रहे हैं, बात बोरिंग होगी मगर नतीजा डायनामिक निकलेगा इंशाल्लाह। बात काम बोरिंग होगा मगर नतीजा डायनामिक निकलेगा। और हिंदुस्तान के वजीर आजम जानते हैं, यकीनन हमारे दिलों में गम है, गुस्सा है, कौन इनकार करता है। जब से बीजेपी की सरकार बनी हमने लव जिहाद की बातें सुनी, घर वापसी की बातें सुनी, मॉब लिंचिंग के नाम पर हमने अखलाक की मौत को देखा, अली मुद्दीन अंसारी की मौत को देखा, तबरेज की मौत को देखा, हाफिज जुनैद की मौत को देखा, मगर इसके बावजूद भी हमने जिस तरह वो चाह रहे थे हमने रियायत नहीं किया। मेरे भाई यही हमारी कामयाबी है। याद रखो, अगर हम दुश्मन के ट्रैप में चले जाएंगे तो फिर दुश्मन और जुल्म करेगा। जो कुछ जामे मिलिया में हुआ मैं मजम्मत करता हूं उसकी, जो कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के बारे में कहूंगा कि वाइस चांसलर साहब, जब आपको दुनिया से जाने का वक्त आएगा तो जो फरिश्ते कुत्तों की रूह निकालते वो तुम्हारी रूह निकालने आएंगे, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पुलिस को लिख कर देता है कि यूज अप्रोप्रिएट फोर्स, यानी ताकत का इस्तेमाल करो, रीजनेबल ताकत का। कोई वाइस चांसलर लिख कर देता है पुलिस को कि यूनिवर्सिटी में घुस कर मारो, और एक बच्चे का हाथ कट गया उसमें, हॉस्टल की बिल्डिंग को, रूम्स को जला दिया गया। जामे मिलिया की वो वाइस चांसलर मोहतरमा, आपकी वफादारियां बच्चों के साथ नहीं है मैडम, आपकी वफादारियां आरएसएस के इंद्रिश कुमार के साथ। उस वाइस चांसलर ने पुलिस को इजाजत दी और उसी की बुनियाद पर पुलिस घुसी और लाइब्रेरी में जाकर मिनहाजुद्दीन नाम एक नौजवान बच्चा जो एलएलएम की तालीम हासिल कर रहा था, पुलिस ने इतना बुरा मारा कि मिनहाजुद्दीन अपनी एक आंख से महरूम हो गया, नाबीना हो गया बच्चा एक आंख से। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी आंखों को नहीं दिखता है? आप ही ने तो कहा था ना कि कपड़े देखो, देखो मिस्टर मोदी वो बच्चा क्या कपड़े पहना था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था। ये बच्चियां क्या कर रही थी जो आज हमने इनको यहां पर बुलाया? क्या था इनके पास? हथियार थे?
बंदूक थी, बचा रहे थे एक बच्चे को, सिर्फ बचा रहे थे एक बच्चे को, तो कहा गया ये फलां है, ये फलां है। मेरे भाई ये जुल्म है, इसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। और हमारी लड़ाई क्या है, मेरी लड़ाई मुझे बदनाम, कोई टीवी का प्रोग्राम नहीं होता दूल्हे भाई के बगैर, यानी टीवी का प्रोग्राम होना उसमें हमारा नाम शामिल। अरे कभी तो मर्द बनो रे, बगैर भाईजान का नाम लिए करो। और वो दिल्ली में मोदी का लीडर बोल रहा, क्या बोला वो, कि गोली मारो गद्दारों को, गोली मारे देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। प्यारे हैदराबाद की जबान में साले किसको बोलते मालूम है? मत बोलो, महंगा पड़ेगा। अगर हम तुम्हारे साले हुए और हमको गोली लगी तो फिर घर में क्या होगा? फिर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ठीक है, अब तो हम तुम्हारे साले तो हो गए, अब इस पर भी कल चलाएंगे। मैंने ही बोला, उन्हें बोले, जब उन्हें बोल सकते तो हम जवाब नहीं दे सकते। ये जो तमाम पांडुरंगा रेड्डी साहब, चिरंजीवी साहब, डॉक्टर अस्म मोहतरमा, डॉक्टर अस्मा, हमारे उलमाए कराम, मशायखीने उज़्ज़ाम, ये सब क्या लड़ाई है हमारी? ये लड़ाई हमारी ये है, इस किताब की, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई हमारी। कोई आसमान से तारे तोड़ने की बात नहीं कर रहे, कोई चांद की मट्ठी लाने की बात नहीं कर रहे, कोई समंदर से खाक छान कर बात नहीं कर रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। इसको बचाना है। हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, इसको बचा लो, छोड़ दो ओवैसी कौम को, इसको बचा लो, वरना तुम इसको नहीं बचाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसको बचाओ, इस किताब को बचाओ। ये किताब, ये कानून, ये संविधान हर भारत के रहने वाले को इक्वालिटी की बात करता है, मसावात की बात करता है। आप अगर इसको नहीं बचाएंगे तो फिर क्या बचाएंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही काम हमको करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग इस एहतजाज में इस दुनिया से चले गए, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक मिनट के लिए हम उनके लिए खामोशी अख्तियार करें, ताकि मरने वाले घर वालों को ये मालूम हो सके कि सरजमीन दखन पर कोई तो उनकी तकलीफ को महसूस कर रहा है। एक चंद सेकंड के लिए मैं अपनी तकरीर को रोकता हूं, ताकि हम उन मरने वालों को याद करें जो पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए, या फिर जो पुलिस वाले भी अगर इसमें जख्मी हुए तो हम उनको भी याद करें। एक मिनट के लिए खामोशी। दूसरी बात, अब आपको मैं हल्क दिलाऊंगा, ओत दिलाऊंगा, अपने अपने हाथों पर उठाओ। ये आईन का हल्क है, प्रियम्बल का। अब मेरे साथ आप बोलेंगे, मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ आप बोलेंगे। हम भारत की आवाम मुताना तो संजीदगी से अजम करते हैं, भारत को एक मुख्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे, और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें।
इंसाफ, समाजी माशी और सियासी आजादी ख्याल, इजहार अकीदा, दीन और इबादत, मसावात बाएतबार हैसियत और मवाक़े, और इन सब में इख़्वत को तरक्की दे जिससे फर्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालिमियत का तयक़्क़ुन हो। अपनी आईन साज असेंबली में ये तारीख लिखी गई है, ये उसको मत पढ़िए, बस ये बता रहा हूँ हमारा हल्फ है, तारीख ये हल्फ है। अब शायद कोई संघ परिवार के लोगों को उर्दू समझ में नहीं आया तो बोलेंगे अरे ये तो पाकिस्तान की जबान है। ओके, नाउ इन इंग्लिश रेडी? ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity ऑफ द नेशन। ये हमने संविधान का ये हल अभी खत्म नहीं हुआ, कहीं कोई बैठो, अभी तो वार्म अप हुआ है। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने ये बात भी आज हमने एक रेजोल्यूशन भी बनाया है इस मीटिंग में, और हम इस जलसे के जरिए मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूं कि के चंद्रशेखर राव ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ उनकी पार्टी ने लोकसभा में वोट दिया, राज्यसभा में भी वोट दिया। मैं के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको थैंक यू कहता हूं। यह आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। आजूज माजूज के दौर में के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी ने जो मौकफ लिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बल्कि मेरी जब चीफ मिनिस्टर से बात हुई थी तो चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि मैं हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं करता असद साहब कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई काम हो। मैं केसीआर की इस बात का खैर मुकदम करता हूं, यह आसान बात नहीं है। मैं जगनमोहन रेड्डी, जो मेरे दोस्त अभी भी हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि जगनमोहन रेड्डी साहब, आप भी छोड़ दो साथ बीजेपी का, आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करिए। आप, मैं जानता हूं आपको रियासत चलाना है, मगर जब भारत को बचाना है, जब भारत मजबूत होगा तो रियासत बचेगी ना। ये लड़ाई भारत की रूह के लिए है, ये लड़ाई आप जैसे नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए है,
मैं गुजारिश करता हूं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से भी कि वो रिकंसीडर करें। मैं गुजारिश करता हूं हमारे तेलंगाना के वजीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से कि वो जिस तरह केरला की हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर स्टे लगाया, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी केरला की जो गवर्नमेंट है उनसे रابطہ पैदा करें और जिस तरह एनपीआर को उन्होंने स्टे लगाया, ये हम उम्मीद करते हैं कि केसीआर भी इंशाल्लाह इस तरह का इकदाम करेंगे। तीसरी बात यह है कि आज का ये जलसा हिंदुस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज में जो तालिबे इल्म एहतजाज कर रहे हैं उनका साथ देते हैं, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। और हम जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बर्बरियत हुई उसकी मजम्मत करते हैं और उन पुलिस वालों के खिलाफ एक आला आजादना इंक्वायरी के बाद उन पर एक्शन लेना जरूरी है। और हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि जो मुकदमे आयद किए गए उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। हम मरकजी हुकूमत से नरेंद्र मोदी वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि आप उन केसेस को वापस लीजिए। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से इस बात का मुतालबा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जुल्म हो रहा है पुलिस फायरिंग के नाम पर उसको खत्म किया जाए, उसको बंद किया जाए। मासूम बच्चों को गोलियां लग रही हैं। हम तशद्दुद की वायलेंस की मजम्मत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं। और हमारा मानना यह है कि ये जो प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में हो रहा है ये उसी वक्त कामयाब होगा जब तशद्दुद नहीं होगा। याद रखो मेरी बात को। और तशद्दुद उस वक्त भी नहीं होगा जब हम दुश्मन की चाल में ना फंस जाए। तो ये और साथ ही साथ हम इस बात का फैसला करते हैं कि 30 जनवरी को आने वाली 30 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी को गोली मारने का दिन था। उस दिन और 23 मार्च 2020 को भी 2020 को भगत सिंह की शहादत का दिन है। 14 अप्रैल बाबा साहेब अंबेडकर की पैदाइश का दिन है। ये तीनों दिन को, ये तीनों तारीख को हम कॉन्स्टिट्यूशन सेफ डे मनाएंगे। महात्मा गांधी को जिस दिन गोली मारी गई, जिस दिन भगत सिंह की शहादत हुई, जिस दिन बाबा साहेब अंबेडकर पैदा हुए, उस दिन को हम सेफ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। हम सेफ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। और ये बचेगा तो मुझे मसावात मिलेंगे, ये बचेगा तो मुझे मजहबी आजादी मेरी बरकरार रहेगी, ये बचेगा तो मेरी आने वाली नस्ल को तरक्की के मौके मिलेंगे, हम लड़ सकेंगे। अगर ये नहीं बचेगा तो फिर इस मुल्क में डिक्टेटरशिप हो जाएगा। ये लड़ाई इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की। और जो लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, हम मुसलमानों पर गालियां दे रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, अरे क्या अल्लाह ने तुमको अकल नहीं दी कि आइसिस इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सारी दुनिया से लोग गए, कितने गए भारत से, कितने गए भारत से, 50-60 जो लोग आइसिस का रिक्रूटमेंट करते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के दुश्मन हैं, जो लोग आइसिस की सोच रखते हैं वो जाफर पाशा के दुश्मन हैं, जो बगदादी को हीरो मानते हैं वो पांडुरंगा रेड्डी को विलन मानते हैं, जिन्होंने इंसानों के गले काटे वो हमारी जबानों को बंद करना चाहते हैं। आज ये सरकार क्या कर रही है, क्या कर रहे हो? 17.5
दोस्तों और बुजुर्गों, मायूसी पैदा की जा रही है नौजवानों के दिलों में। मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि मायूस मत हो, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाअल्लाह। ऐसे 56 नरेंद्र मोदी अभी आएंगे, भारत का कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम यहाँ पर 22 शहरी थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर ये लोग इस तरह की हरकतें करके क्या पैगाम दे रहे हैं आप? जिन गंदगियों को हमने परखने नहीं दिया, उसको खत्म कर दिया, क्या कर रहे हैं आप? पूरे बैन अल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल दिखता है कि पूरे जमहूरी मुल्क को मिलकर, ममालिक को मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत क्यों है उनसे? क्या किया हमने बताओ? हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, नली का मसकर हुआ आसाम में, लाशें पड़ी हुई थी खेतों में, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाशिमपुरा में नदी के किनारे ले जाकर 40 लोगों को गोली मार दी गई, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मलियाना का फसाद हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। शेख यासीन को सर पे गोली लगी मल्लेपल्ली के पास, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, हमने अपनी मस्जिद के गम को दबा कर रखा, मगर मुल्क से वफादारी की, कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, दिल बंबई की सड़कों पर फसाद हुआ। सोचो जो लोग आज हम पर शक कर रहे हैं, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, मेरी दास्तान तो भी सुनो, तुम मेरे गम को समझो आप। कि नवंबर दिसंबर 92, जनवरी 93 में, उसके बावजूद भी हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। 2002 गुजरात हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज भी कहे और कल भी कहते रहेंगे, मगर तुम शक कैसे करते हो इख्तदार की कुर्सियों पर बैठकर? ये मेरी शिकायत है तुमसे, ये मेरी शिकायत है कि सच्चर कमेटी झूठी है, कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन झूठी है, क्या कुंडू कमेटी रिपोर्ट झूठी है, क्या एनएसएसओ का डेटा गलत है, क्या सेंसस 2011 का डेटा गलत है? बताओ क्या करूं मैं? क्या तुम उम्मीद करते हो मुझसे? बताओ, मैं एक पत्थर की तरह कह रहा हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक पहाड़ हूं जो कोई मुझे नहीं ला सकता, याद रखो। और पहाड़ क्या है? हम भारत के बुनियादी पत्थर हम है, भारत के बुनियादी पत्थर मैं हूं, भारत के बुनियादी पत्थर तुम हो, भारत के बुनियादी पत्थर हम सब है। बुनियाद तो हम इनने नहीं देंगे, क्योंकि हम पत्थर हैं बुनियाद। इस मुल्क की बुनियादों में हमारा कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, ये जुद्दोजहद को जारी रखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक दिन दो दिन की जुद्दोजहद नहीं, अब तो लोगों की जाने भी चली गई है और जो बच्चे मारे गए हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर नरेंद्र मोदी की सरकार सही फैसला ले लेती है तो बहुत अच्छा है। आप सिर्फ वजीर आजम इतना कर दीजिए कि रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो आपने लफ्ज लिखा, लफ्ज रिलीजन को निकाल दीजिए, लफ्ज रिलीजन को निकाल दीजिए। किसी भी मुल्क की माइनॉरिटी लीजिए आप। मैं मानता हूं पाकिस्तान में जुल्म होता है, मगर पाकिस्तान से मुझे क्या करना है? अफगानिस्तान से मुझे क्या करना है? बांग्लादेश से हमको क्या करना है? यकीनन जुल्म होता है म्यांमार में, जुल्म होता है श्रीलंका में, जुल्म होता है साउथ एशिया में, हर जगह पर आप लीजिए। मगर मजहब के नाम पर कानून बनाना यह गलत है। और फिर
ये 2030 दिसंबर 2014 की तारीख क्या है, ये एनपीआर क्या है। ये लोग एनपीआर के बारे में बोलते नहीं, नहीं, जो कोई भी भारत का शहरी है बशमूल मुसलमान उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल यह है कि तुम कौन होते डिसाइड करने वाले कि मैं शहरी हूं या नहीं हूं। तुम फैसला तुम करने वाले हो, तुम्हारा ऑफिसर करने वाला है। मेरे भाई ये काला कानून है, ये एनपीआर गलत है, एनआरसी गलत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर आ चुकी है। जीडीपी 4% से कम हो चुका है, जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तदार में। हर एतबार से मुल्क में परेशानी है, गरीबों को खाने को खाना नहीं है, नौकरियां जा रही हैं, सब परेशान हैं। मगर वजीर आजम जो दिल्ली के सल्तनत के बादशाह हैं, तो बादशाह ने फैसला किया कि नौकरी की बात नहीं होगी, बैंक के डूबने की बात नहीं होगी, जीएसटी की बात नहीं होगी, लोगों के पास पैसा निकाल नहीं है उसकी बात नहीं होगी, बात होगी मजहब की। और जब बात मजहब की करते हैं तो लड़ाई इसलिए होती है कि देश को बचाना है। यकीनन मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है इस बात का, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुझे इजाजत देता है कि अपने आप को मुसलमान और दीन पर रखूं। और अगर कोई कहेगा कि मैं कोई दीन को मानता भी नहीं हूं, तो मैं उससे कहूंगा कि मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगर कोई कहेगा कि मैं हिंदू हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल रहो आप, आपको हिंदुस्तान का आईन मजहब पर चलने की इजाजत देता है। मगर ये कौन सा कानून कि आप मुझे दूर कर रहे हैं, मुझे दूर कर रहे हैं, हमको दूर कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस लड़ाई को जारी रखना है, इसको जमहूरी तरीके से जुद्दोजहद को जारी रखना है, तशद्दुद नहीं करना है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और तुमको अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूं, मैं अगर इस लड़ाई में अगर मैं भी मर जाता हूं, अगर कोई जालिम मुझको गोली भी मारता है, तो तुमको अल्लाह का वास्ता तुम तशद्दुद नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी जिंदगी उस वक्त तक है जब तक मेरा रब चाहेगा। और सुनो, जो मेरे दुश्मन है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करोगे अगर तुम मुझे शहीद कर उत्पादोगे। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी शहादत मिले, कोई डर नहीं है, मगर ये लोगों की साजिश है। क्यों कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, अरे बोलेंगे, अरे ये जज्बात मिला रहा है, नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। ऐसे लोग बहुत से हैं। और अभी आज तक के टीवी प्रोग्राम में एक बाबा बैठे थे जो सारी दुनिया से कहते हैं नाक से सांस लेके पेट को हिला के मुंह से सांस ले, जो टूथपेस्ट बेचने का कारोबार भी करते हैं, जो जींस बनाने का ख्वाब देख रहे थे मगर जींस नहीं बनी। वो बाबा ने कहा कि ओएसी एक सर फिरा है, आपको गलत फहमी है बाबा, हमारे बुजुर्ग पांडुरंगा रेड्डी भी सर फिरे हैं। ये सब लोग जो डाइस पे बैठे पूरे सर फिरे, सर फिरे इसलिए है बाबा, इससे मोहब्बत है। और बाबा ने कहा कि कोई ओएसी को पत्थर नहीं मारता जब वो बात बोलता है, तो बाबा की दिल की ख्वाहिश उनकी जबान पर आ ही गई, बाबा पत्थर मारो, बाबा मारो बाबा पत्थर। मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल से मारो बाबा पत्थर, क्योंकि जब पत्थर पड़ेगा तो मुझे भी तो मालूम होगा ना कि
ताइफ के सफर में मेरे आका को क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ी। मारो पत्थर बाबा, मारो पत्थर बाबा, क्योंकि मैं जिसकी गुलामी का गुलाम होने का दावा पेश करता हूं, मुझे भी तो पत्थर खाना पड़ेगा ना बाबा। मारो पत्थर बाबा, बाबा अगर तुम्हारे लोग मुझे गोली मारेंगे तो मारो बाबा मारो, क्योंकि करबला के मैदान में मेरे आका के नवासे ने अपनी गर्दन कटाई थी, तो वो ऐसी कौन सा कुत्ता है। तैयार हो बाबा मारो, मगर मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, अगर इस राह में मुझे कुछ हो भी जाता है, किसी को कुछ होता है, तो तुमको अल्लाह का वास्ता, सबर का दामन नहीं छोड़ना, किसी के भी ऊपर आंच आने नहीं देना। ये अजम, ये हौसला, ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट तुम्हारा होगा इसके लिए, इस किताब के लिए, इस आइन के लिए, तो याद रखो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, इंशाअल्लाह होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि आप इस जुद्दोजहद में हमारा साथ देंगे, खाली जबान से बोल रहे या दिल से बोल रहे? जब दिल से बोल रहे तो तशद्दुद नहीं होना मेरे भाई, कोई वायलेंस नहीं होना। आप अगर कोई तशद्दुद करता भी है तो बोलना तू गोडसे की औलाद, गोडसे कुत्ता, शैतान की औलाद, और हम संविधान आईन के मानने वाले, हम अमन को कदामन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। लोग बोलेंगे अरे असदुद्दीन ओवैसी क्या बात कर रहा है, क्या हम चूड़ियां पहन ले? नहीं मेरे भाई, गुस्से को जब्त करना और हालात का तकाजा यह है कि जालिम की साजिश में उसको नाकाम करना, यही हमारी हिम्मत होगी, यही हमारा फैसला होगा। तो हमारा साथ देना मेरे भाई, आप तमाम के साथ की जरूरत है, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका साथ होगा, मुत्तहिद रहिए, ये शिया सुन्नी के झगड़ों को खत्म करो, ये मसलक के इख्तलाफात को खामोश करो, और हिंदुस्तान और भारत को बचाने की कोशिश करना है। और आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि पुरमन तरीके से आराम से अपने अपने घर को रवाना होइए, हमारी ख्वातीन को जाने का पहला रास्ता फराहम करें। अभी तो शुरुआत है जलसों की, इंशाअल्लाह ताला एक लंबी फेरिस्त है जलसों की, जलसे होंगे। आप तमाम का शुक्रिया, वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।